नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एयर सस्पेंशन के बारे में। अभी देखो, रेगुलर सस्पेंशन तो हर गाड़ियों में होते हैं, बट ये जो सामने लैंड रोवर खड़ी है उसमें आते हैं एयर सस्पेंशन, और सिर्फ इसमें नहीं आते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं। बट एयर सस्पेंशन होते क्या है, कैसे काम करते हैं और वो क्या काम आते हैं, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। अभी देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि रेगुलर सस्पेंशन और एयर सस्पेंशन जो है उनकी वर्किंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बट ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि एयर सस्पेंशन होती है उनकी राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। अब यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ा सा ये पोर्शन जो है, ये एयर सस्पेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जो है ऊँचा और नीचा किया जा सकता है ऑन ए टच ऑफ ए बटन। तो अभी वो बटन के टच पे कैसे काम करता है वो मैं आपको करके बताता हूँ सबसे पहले, और फिर बात करते हैं एयर सस्पेंशन के और क्या बेनिफिट होते हैं। क्विकली अंदर चलते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो हाइट जो है, इसमें मैं अपना हाथ इजीली जो है फिट कर पा रहा हूँ, फिर भी जो है स्पेस अवेलेबल है। मैं एक बार इसको ग्राउंड हाइट को नीचे करता हूँ। ये सबसे ऊँची हाइट है बाय द वे। अगर मैं इसको नीचा करूँ तो ये जो है यहाँ पर मेरे पास बटन अवेलेबल दिया गया है। अब मैं इसको दबाता हूँ, डोर को मैं बंद करता हूँ। ओके, अब धीरे धीरे जो है गाड़ी नीचे जा रही है। और मीन वाइल मैं आपको बता दूं कि गाड़ी ऊपर और नीचे करने में फ़र्क कितना आता है। अब ये फ़र्क जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज रोवर स्पोर्ट की बात है। तो जब गाड़ी सबसे नीचे वाली पोजीशन पे हो तो गाड़ी की हाइट जो है 5 फीट 9 इंच होती है। जब गाड़ी जो है बीच की पोजीशन पे हो तो 5 फीट 11 इंच की गाड़ी होती है, और जब गाड़ी सबसे टॉप पोजीशन पे हो तो 6 फीट 2 इंच की जो है गाड़ी होती है। तो 5 फीट 9 इंच और 6 फीट 2 इंच यानी कि टोटल 5 इंच का फ़र्क जो है वो गाड़ी में आ जाता है। अभी गाड़ी की जो है मेन चीज़, इसका मेन ज़्यादा फंक्शन जो है वो ऑफ रोडिंग के वक्त में काम आता है। तो जब गाड़ी एक्सेस हाइट पे होती है तो वो तो आप ऑफ रोडिंग कर नहीं सकते हो। जब आप नॉर्मल हाइट पे होते हो तो आपका अप्रोच एंगल होता है 24 डिग्री, यानी कि सामने की तरफ जो है 24 डिग्री का स्पेस होता है, वरना गाड़ी आगे से लग जाएगी। 24.3 यहाँ पे 24.9, बीच में जो ब्रेक ओवर एंगल है वो 19.4 होता है। लेकिन अगर आप जब ऑफ रोड हाइट पर चले जाते हो तो ये चीज़ें बहुत ही ड्रेस्टिकली बढ़ जाती है। 33 आगे का एंगल हो जाता है, 31 पीछे का हो जाता है, और 27.2 जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो हो जाता है ब्रेक ओवर एंगल। तो अभी जो है मैंने गाड़ी सबसे नीचे कर दी है, और अगर आप बाहर आके अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि गाड़ी जो है वो काफ़ी नीचे हो गई है, और इस हाइट पर जो है डेफिनेटली अगर ऑफ रोड करने जाएगी गाड़ी तो लग सकती है। अगर आप अभी देखें तो गाड़ी काफ़ी नीचे हो गई है, ये और नीचे जा रही है गाड़ी, एक्सेस मोड पे गाड़ी जो है वो जा रही है। तो इस मोड पे अगर आप देखें, अगर ऑफ रोडिंग जाए तो गाड़ी लग जाएगी। अब कहाँ क्या काम आता है, देखो सबसे पहले तो गाड़ी की राइड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। एक गाड़ी जो है बेहतर तरीके से जो है पोर्टल्स वगैरह पे जाती है। अगर आपने कभी रेंज रोवर चलाई है, ये पर्टिकुलर वेरिएंट, या नहीं भी चलाई तो अगर कभी चलाने का मौका मिले तो ये आपको महसूस होगा कि गाड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पोर्टल्स या गड्ढों पे से जो निकलती है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हालांकि इस गाड़ी में वो फीचर नहीं है, बट कुछ गाड़ियों में ये भी फीचर आता है कि एयर सस्पेंशन का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आगे से गाड़ी सेंस करती है एक गड्ढा आने वाला है, और उस हिसाब से जो है सस्पेंशन को एडजस्ट कर देती है और ऊपर नीचे जो है गाड़ी होती है, और अंदर की तरफ कैबिन में बहुत ही कम उस गड्ढे का असर पहुँचता है। तो ये काम जो है एयर सस्पेंशन से लिए जाते हैं। एक सिंपल बटन है, जब भी आप वो बटन प्रेस करते हैं वहाँ पर जो है ये जो मैंने आपको दिखाया था अंदर की तरफ यहाँ पर, अब इसमें इतना स्पेस नहीं है कि मेरा कैमरा घुस पाए, पहले मैंने आपको दिखाया था कितना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल था, तो वो ऑन ए टच ऑफ ए बटन। चलो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये मोस्टली सारी गाड़ियों में एक्सेस दिया जाता है कि आपको बूट में जो है सामान रखने में सहूलियत हो, उसके लिए यहाँ बटन दिया जाता है। तो इस बटन को मैं दबा के इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप सुन पाएँ तो एक हल्की सी आवाज़ आ रही है, उससे जो है हवा जो है उसमें फिल की जा रही है और स्पेस जो है वो बड़ा किया जा रहा है। अब ये पहले काफ़ी नीचे था, मैं आगे वाला ये आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो हवा फिल हो रही है, अब ये हवा जो है सारी इसमें फिल हो रही है, और ये जो है सस्पेंशन की हाइट को इंक्रीज़ कर रहा है, और पूरी तरीके से एक जो है इसकी हाइट अचीव हो जाती है हाइट, तो उसके बाद में सस्पेंशन जो है प्रॉपर इतनी हाइट पर उठ जाता है। तो ऑफ रोडिंग में मदद मिलेगी, राइड क्वालिटी बेटर होती है ये फीचर से। कई नई टेक्नोलॉजी जो है इसको नए तरीके से यूज़ भी कर रही है, जैसे कि ये जब मैंने आपको बताया पॉटहोल्स आने पर डिटेक्ट होता है, के बाद में गाड़ी कब, जैसे अभी इस गाड़ी में भी एक फीचर है कि जब मैं मान लो इस हाइट पे अगर मैं गाड़ी को तेज़ चला रहा हूँ और गाड़ी अगर 100 की स्पीड क्रॉस करती है तो उस सिचुएशन में गाड़ी की जो है हाइट वापस लोअर हो जाती है। तो एरोडायनेमिक्स में हेल्प मिलती है, जितनी ज़्यादा गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी गाड़ी उतनी ज़्यादा हाई स्पीड पर स्टेबल रहेगी। तो वो करने के लिए जो है एयर सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है कि भैया जब ज़रूरत हो तो हाइट ऊपर हो, जब ज़रूरत नहीं हो तो हाइट नीचे हो, तेज़ स्पीड पे जो है आप गाड़ी चला सकते हैं। तभी आप देखोगे जो ऊंची गाड़ियां होती हैं उनको तेज़ स्पीड पे चलाने में परेशानी होती है, लेकिन ये बड़ी गाड़ियां जो रेंज रोवर वगैरह है इनमें ये एयर सस्पेंशन की मदद से आप जो है हाई स्पीड पर भी गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इनकी हाइट जो है वो नीचे हो जाती है।
तो ये चीज़ें हैं, एयर सस्पेंशन एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो ये था एयर सस्पेंशन के बारे में, जो भी नए नए तरीके के फीचर्स वगैरह जो चीज़ है वो, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप नीचे लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसे फीचर्स पता हो एयर सस्पेंशन के बारे में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई पसंद दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।